आपको है। अगर देखा जाए ओवरऑल हिस्ट्री में एक बदलाव मुझे देखने के लिए मिला, क्वेश्चन जो हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन एक बदलाव हुआ, आप लोग बता सकते हैं क्या बदलाव किया हिस्ट्री में? कोई है जो हाथ उठा के बता सकते हैं? 67 बीपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, जो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें एक बदलाव जो हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिला, कोई मुझे बता सकते हैं हाथ खड़ा करके क्या बदलाव देखने के लिए मिला? और क्या, और कोई गलत है? और कोई क्या, और कोई? मैं बोलूं, आपका सही है, मैं जान के बोला ताकि कोई कॉपी ना कर ले। सबसे बड़ा चेंजिंग जो किया अगर देखा जाए मध्यकालीन में, अक्सर हम लोग दो क्वेश्चन पे लेकर टारगेट चलते थे, पढ़ते भी नहीं थे, इसको सीखने की भी नहीं कोशिश करते थे। इस बार यहां से कितना क्वेश्चन आ गया? 4 क्वेश्चन। और जिस एंशिएंट को, प्राचीन को सबसे ज्यादा मान रहे थे 5 क्वेश्चन के आसपास, वहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन। इसने बता दिया मध्यकालीन को हल्के में मत लेना। वो तो शुक्र ऐसा है कि क्वेश्चन जो था हलवा वाला था, अगर थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट कर देता तो न जाने कितने को ताश के पत्ते की तरह गिरा देता। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो बताइए। यानी कि इस बार जो है हमें प्राचीन से ज्यादा किस पे ध्यान देना होगा? मध्यकालीन से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार हमें इस दोनों पर ध्यान देना होगा। जो ये सीरीज चलेगी इसमें हम दोनों पे ध्यान रखेंगे और इस दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और इस दोनों की गहराई में हमें उतरना होगा कि रिजल्ट आए तो आपका जरूर आए किसी भी हालत में। अब रहा कि जो लोग नए हैं थोड़ा सा उनके लिए, जो लोग नए हैं इतना तो ऐसे तो मैंने यहां पे लिख दिया हूं। इसमें इतने कम दिन जो बचा हुआ है, इसमें कौन कौन से चैप्टर को गहराई में जाकर उतर के पढ़ा जाए जिससे कम से कम कट ऑफ को क्रॉस करवा दिया जाए। अगर 35 क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्पल तो कम से कम 32 क्वेश्चन सही हो जाए। आने वाला टाइम में बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, मत घबराइए। 32 क्वेश्चन सही करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जिसका हिस्ट्री ज्यादा ज्यादा सही हो जाएगा ना वो प्रीलिम्स का रिजल्ट देकर चला जाएगा। दिख रहा ना, वो रिजल्ट देकर चला जाएगा। और जिसका हिस्ट्री लेकर डूबेगा स्ट्रेस में सारा सब्जेक्ट को लेकर डूब जाएगा। हिस्ट्री इतना बड़ा गेम खेलता, और मैं पहले ही बोल दिया हूं हिस्ट्री मेरा नहीं है, हम तो मोहब्बत करते हैं, हिस्ट्री आयोग का है। और जिस हिसाब से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अब पहला वाला देखते हैं, एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाएंगे हम सब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना होगा? तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहां से कुछ नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिशी शक्तियों का प्रभाव और प्रशासन, किस तरीके से ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ते गया और फिर से शक्तियों का संतुलन होने गया, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, ये इंपॉर्टेंट है हर बार क्वेश्चन, इसको आपको गहराई में पढ़ना होगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां एक बार तो पूछा हुआ भी था, और इसमें जो पूछा गया था वो रैयतवाड़ी पूछा था, इनमें से कहां पे है। और सबसे मजेदार बात है कि उससे पहले एक एग्जाम और गया था जब आप तैयारी कर रहे थे, सबसे पीछे जो बैठे हो, झारखंड पीसीएस वाला में, उसमें भी हमने बताया था कि वहां भी पूछा गया था। इसमें क्या है, क्या दोनों एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि सीडीपीओ में भी पूछा गया था, और हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, और यह सबसे बच्चों जैसा है। बस आपको 30 मिनट मेरे सामने लेक्चर में बैठना है, उसके बाद जीवन में कभी नहीं उलटना पड़ेगा, आपके दिमाग में ही सेट कर देंगे ले जाके। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसी तीनों को पढ़ना है, तीनों टेक्स्ट के रूप में है, आप किताब में पढ़ लीजिए, दिमाग में नहीं काम करेगा। इसी को हमको सीखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, एकदम आएगा, जहां डिफिनिट है वहां पे टिक लगाते जाना है। नेक्स्ट जो है किसान एवं जनजातीय आंदोलन चर्चा में है, हमेशा रहता, कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन यहां से 100% देगा, और अभी चर्चा का विषय बना रहता किसान का, कभी सुखार, कभी बाढ़, कभी कोई कानून, हमेशा चर्चा का विषय बना रहता, तो थोड़ा सा आपको किसान और जनजातीय विद्रोह को देखना। नेक्स्ट 1857 की विद्रोह,
अगर यहां से पूछा जाता है तो यहां से सीधा एक वाला पॉइंट पूछा जाता है और वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक कुंवर सिंह और दूसरा अमर सिंह भाई का नाम, बस इन्हीं से पूछा जाता है क्वेश्चन, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ बेसिक बातें, क्या पहचान थी, क्या इसका चिन्ह था, कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, बस ये सब छोटी छोटी बातें, इसको ध्यान रखना। धर्म सुधार आंदोलन, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक हमारा समाज परिवर्तन ही नहीं होगा, और जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक आपका अंधविश्वास समाप्त ही नहीं होने वाला है। तो यहां से धर्म सुधार आंदोलन, फिर चाहे राजा राम मोहन राय की बात हो जाए, दयानंद सरस्वती की बात हो जाए, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात हो जाए, स्वामी विवेकानंद की बात हो जाए, यहीं से यहां पे चलेंगे। उसके बाद शिक्षा और समाचार पत्र, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको आपको देखना नहीं, ये हम आपको समझा देंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण चलेगा, स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण, यानी कि अगर देखा जाए तो 1857 के बाद, या फिर रियल में अगर देखा जाए तो 1885 कांग्रेस की स्थापना के बाद से अगर देखा जाए तो ज्यादा सटीक बैठेगा। और यह टाइमिंग जो चलेगा कब तक, 1905 के बंगाल विभाजन तक चलेगा। यह बीच में कौन कौन सी घटना है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस से तो हमेशा इंपोर्टेंट होता है, क्वेश्चन चलता ही चलता है, और इस बार भी पूछा हुआ था, और कितने लोग तो गलत करके आए तो फिर ऐसे ही करके खड़ा होकर हमारे सामने, अच्छा जी सर क्या पूछा है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष हमने मार दिया सरोजिनी नायडू धराम से, अब तो मन कर रहा था हम भी खींच के मार दें एक। और ये अक्सर हमेशा होता है, पिछले बार किसमें किया था, नीतीश कुमार में आया, क्या क्वेश्चन पूछता है वो सर हमारे सामने, और ऐसे करके बोलता है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस खींच लेता है दो मिनट के लिए, हम बोलता हमको भी कुछ नहीं आता है क्या, और दिखाया नीतीश कुमार, सोचिए ना कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता नीतीश कुमार, यही स्टाइल में, हमको आज भी याद है यही स्टाइल में, हम भी क्वेश्चन को देखे, हम भी ध्यान से पढ़े, कोई तो तमाशा होगा, उसमें लिखा हुआ प्रथम मुख्यमंत्री, अब तीसरा नंबर पे जाके श्री कृष्ण सिंह, अब मन तो कर रहा था कंस बन के मारे इसको, और ये ऐसी ऐसी गलती है जिसका कोई माफी नहीं, मानते नहीं इस बात को, ये सब गलती तो डिजर्व ही नहीं करता है आपका खुद का दिल, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा श्रमिक किसान का आंदोलन वामपंथियों द्वारा, इसमें वहां के बाद फिर से जो पूरा का पूरा अगर यहां को हटा दिया जाए तो यहां से शुरू करते हैं गांधी जी से, 5 तक तो आ गए, 5 के बाद धीरे धीरे आगे चल के 1915 इसके बीच में जो टाइमिंग होगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनको हल्का सा देख लेना, इसके बीच में कोई सी घटना नहीं है जो इंपोर्टेंट है, लेकिन जैसी गांधी जी का आगमन होता है उसके बाद सारी घटनाएं जो है आधुनिक भारत में तुरंत ऊपर में सेंटर में आके खड़ा हो जाती है, सब की सब सेंटर में खड़ा हो जाती है, और जैसे ही चंपारण होता है रातों रात बाबा जो है सुपर स्टार बन जाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल, और पहली बार ऐसा आंदोलन जिसमें न लाठी चले न भाला चले न तलवार चले न खून बहे न कटे उसके बाद भी जीत हो जाए, ये कौन सा चमत्कार है भाई, ये तो कोई भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान में कौन, हमारे बापू राष्ट्रपिता, ऐसा चमत्कार किए कि आगे आने वाला टाइम में जो है 1942 तक चलता रहा सिलसिला। वहां के बाद जितनी भी घटनाएं हैं खास करके प्रिलिम्स के लिए सब इंपोर्टेंट हो जाता है, फिर चाहे चंपारण की बात कर लें, खेरा की बात कर लें, अहमदाबाद आंदोलन की बात कर लें, खिलाफत की बात कर लें, रॉलेट एक्ट की बात कर लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लें, असहयोग की बात कर लें, फिर बीच में बहुत सारी घटनाएं चलना शुरू हो जाएगी। उससे पहले 1929 में कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, उसके बाद लगे हाथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें, थोड़ा और आगे बढ़े धीरे धीरे पूना पैक्ट वगैरह इसी के अंदर ही है, और जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किए तो वहां से हमेशा जो क्वेश्चन पूछा था, पूछो ना ऐसा क्वेश्चन तो हमारे पास भरा पड़ा हुआ इतिहास में, अगर आयोग ढंग से क्वेश्चन सेट करे तो अच्छे अच्छे टीचर से लेकर स्टूडेंट का दिमाग हिलाकर रख दे, ऑप्शन में फंसा दे बच्चों को, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन यहां करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस उठे हैं चलो 5 लगा दो, अगर सही तरीके से दिया जाए तो हिस्ट्री में अच्छे अच्छे की हालत खराब करके रख दे, और अगर यकीन नहीं है तो एक बार यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देख कर लीजिए, टक्कर सीधे आईएएस को देता हूं, और क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, ऑप्शन इतना खतरनाक देता है आदमी कंफ्यूजन में आ जाता, एक तो पहले आजकल चलन है एक को ए बी ये मिलान वाला, दूसरा जो सबसे मुश्किल तय होता है कारण ए कारण बी,
कथन बी निष्कर्ष। ये सब क्वेश्चन दे दे अच्छे अच्छे बच्चे का समय ऐसी चिबक खा जाएगा। ये हमारे पास हजारों ऑप्शन है, ये पागल वाला क्वेश्चन देने से बढ़िया ये क्वेश्चन दे दो जिससे कि आने वाला जनरेशन से टीचर भी ढंग से पढ़ा दे बच्चों को। क्या है इस बात से सहमत? चलिए आते हैं। उसके बाद 1942 शुरू हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी उनको देख लेंगे, खाम खत्म हो जाएगा हमारा आधुनिक का। इससे ज्यादा कुछ नहीं आधुनिक में करना है, और आधुनिक में यहां से आराम से 20 से 22 क्वेश्चन लपेट लेना, एकदम सबसे आसान है यहां से नंबर खींचना। और अगर 20 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है फिर तो आप तमाशा शुरू कर दीजिएगा हॉल में। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपने एक बात बोलो सही सही, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में गए होंगे थोड़ा सा एक मिनट के लिए, आपको कैसा फील हो रहा था? ठीक तो नहीं लग रहा था, डर लग रहा था? पत हमसे पूछिए ना, हम तो उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। डर इसलिए नहीं कि क्या होगा, डर इसलिए कैसा पेपर होगा। ये तो क्या है, नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, लगता है कैसा है। और जैसे ही खोले होंगे, जिनका पहला ही सेट में मिला होगा पॉलिटी का क्वेश्चन, वो तो कहे होंगे कौन कुकर्म किए जिसकी सजा मेरे को मिल गए, उसके कौन टीचर पढ़ाया है पॉलिटी पता करो, किसका नोट्स पढ़ के हम आए हैं पता करो। और जिसका हिस्ट्री मिला होगा उसको सुजीत सर ग्रेट, मजा आ गया। अगर सुजीत सर न होते तो आज तो हम कहीं के होते भी नहीं, भगवान करे हमारी उम्र लग जाए सीडीपीओ में, ले ले उनका उम्र यहां से खींच के। तो ये चीज जो हो रही थी, आपने केयर किया क्या हुआ था? आप जब एग्जामिनेशन हॉल में गए थे डर लग रहा था, लेकिन जैसी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, और उसमें क्या है, हर क्वेश्चन में मैंने शुरू से बोला था 40 सेकंड टाइम देना, और देखते देखते आपने क्या किया, 40 सेकंड में 4-5 क्वेश्चन को रपेट मारे, धरा धर, और जिसपे मारे एकदम पक्का निशानी मारे, गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ पहला वाला में गड़बड़ा गया था, सरोजिनी नायडू जिनका गड़बड़ा गया था, ईमानदारी साथ उठा दीजिएगा, फिर बाहर में उसको उनको लपेटेंगे हम, होगा भी तो कौन कहेगा, इतना आसान क्वेश्चन कोई करेगा? क्लियर है? खैर आपने देखा कॉन्फिडेंस कैसे बूम किया, और जिनका पॉलिटी हुआ होगा वो मर गए होंगे, इसी वजह से हिस्ट्री भी उनका गड़बड़ाया होगा। हो जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, नेचुरल है। इंसान को जब आसान क्वेश्चन मिलता है तो खुशी से ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करता है, और अगर मुश्किल मिला तो डिप्रेशन में उसको गलत कर देता है। ये अक्सर आप एग्जाम में देखिएगा, आपको इन दोनों से पड़े रहना होगा। अरे ये नहीं तो अगला नहीं तो अगला सेक्शन, कोई ना कोई तो इजी होगा ना, जहां इजी होगा उसी को 6 मार देंगे। हमसे भी कभी बात कीजिए ना, हम अकेले रहते हैं, पैसा हमको दियो, बात कर रही हूं उससे, हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आइए चलते हैं थोड़ा प्राचीन की ओर, क्योंकि इस बार हम सबका अच्छे तरीके से ऑपरेशन करेंगे, बशर्ते आप कंटिन्यूटी में रहिएगा, छोड़ना नहीं है बस क्लास को। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, यहां से एक क्वेश्चन देख लीजिए हर बार, और क्वेश्चन पूछे या ना पूछे हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से करेंगे, और यहां से डिजर्व करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, यहां गलत तो फिर खेली खत्म। वैदिक सभ्यता, यहां ज्यादा समय देने की जरूरत ही नहीं है, वैदिक में क्यों टाइम वेस्ट करें जब पूछता ही नहीं है तो, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल थोड़ा देर के लिए कम से कम एक क्लास में इसका विजन मिल जाए, क्योंकि इसी के आधार पर हम आपको 620 समझा पाएंगे। अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो हम किसी भी हालत में आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, और आप ये नहीं पढ़िएगा तो 620 आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स भी उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा जो हर चैप्टर को अच्छे तरीके से गहराई से समझेंगे, बिना समझे हुए थोड़ी कोई रट के थोड़ी बना लेगा, मानते इस बात को ना? तो यह भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन सीरियस होकर उतना नहीं पढ़ना जितना हमें हड़प्पा को पढ़ना, एक मोटा मोटी जानकारी मिल जाए। धार्मिक आंदोलन, ये तो हमेशा एक न एक क्वेश्चन आपका बंधा ही रहे, या तो जैन से पूछे या बौद्ध से पूछे, दोनों में से एक से तो पूछना ही पूछना है, और इस दोनों को अच्छे तरीके से खंगाल लेना, तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी आपका एक हड़प्पा हुआ, दूसरा धार्मिक आंदोलन हुआ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है मौर्य काल,
मौर्यकाल, मौर्यकाल थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, अगर मौर्यकाल को देख लिए उसके बाद नीचे पढ़ने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन इतना में फंस जाएगा और इतना में आसानी से दो क्वेश्चन को आप हैंडल कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका आराम से। लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए उसके बाद आता है एक सेकंड, हाँ मौर्यकाल, मौर्यकाल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्यकाल के बाद वाला काल। नेक्स्ट जो है गुप्तोत्तर काल, ये सॉरी गुप्त काल, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य के बाद सीधा गुप्त, क्योंकि जब गुप्त होगा तो उसी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, समुद्रगुप्त आएंगे, विक्रमादित्य आएंगे, कुमार गुप्त आएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना, इसको अच्छे से आपको खंगालना होगा बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। यानी हमारे पास गुप्तकाल, मौर्यकाल, बौद्ध जैन, हड़प्पा, क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन भाग जाएगा, पिछलेगा क्वेश्चन, पिछले तो जरा क्यों ना हम ऐसा एटीट्यूड के साथ में पढ़ें, विश्वास के साथ में पढ़ें कि अगर मेरा गलत तो सबका गलत, हार्ड हुआ तो सबका गया। अगर सीडीपीओ में हार्ड क्वेश्चन आया तो सीधा कट ऑफ नीचे भागेगा, भागना ही है नीचे, 100 भी नहीं, 100 से ऊपर नहीं भाग पाएगा कट ऑफ। और अगर मान लीजिए कि ये 67 बीपीएससी जैसा होता क्वेश्चन, तो 110 भी कम था, उसमें भी शक होता, होगा कि नहीं होगा, तो क्या दिक्कत, हमारे लिए सब बराबर है। आइए नेक्स्ट है, और एक सेकेंड, मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आइए मध्यकालीन को थोड़ा सा सर्च करते हैं। दिल्ली सल्तनत लिखना तो सूजी से बड़ा आसान है, आपने दिल्ली सल्तनत लिख दिया, हमने दिल्ली सल्तनत समझ लिया। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश हैं और सब वंश के अंदर 2-2, 3-3 शासक हैं, उन सब का उल्टा सीधा नाम है, उस सब नाम को याद रखना है और उनके काम को याद रखना है, इक्वल टू हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत का। और यहां समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक जरूरी है, क्योंकि अगर मिडिवल इंडिया में ट्रिक नहीं आपको पता होगा तो फिर प्रीलिम्स को आप हिला नहीं पाइएगा। हर जगह ट्रिक है, प्रीलिम्स पास करना है, ट्रिक्स अपनी जिंदगी में निभा लीजिए, कॉन्सेप्ट तो रहना ही है, उसका तो कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन साथ साथ में ट्रिक्स होना जरूरी है। तो दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, क्लियर है। दिल्ली सल्तनत के बाद सीधे पहुंचेंगे कहां पे, मुगल काल में, इंडो इस्लाम, ये वाला, हाँ हाँ बताएंगे, इंडो इस्लाम, इस्लाम जो है अरबों का भारत पर आक्रमण, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, दोनों को देख लेंगे। अरब में मोहम्मद बिन कासिम को देख लेंगे, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जजिया कर से पूछा जाता है जोड़ के। साथ साथ में मोहम्मद गजनवी का 17 बार अटैक, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्या वजह था, क्यों अटैक किया गया था, क्या कारण था, उन सब चीजों को थोड़ा सा एक क्लास में उसको हल्का सा समअप कर लेंगे। उसके बाद आएंगे सीधे मुगल काल में, मुगल काल भी एक लंबा कार काल है, अगर बाबर से शुरू करूं पढ़ाना तो लास्ट में औरंगजेब तक, 1707 तक औरंगजेब तक चलेगा, उसके बाद तो उत्तर मुगल कालीन हो जाएगा, कम से कम मध्यकालीन तक तो वहां तक जाएगा ही जाएगा। और इसी के बीच में आपका 2-3 ऐसे शासक हैं जिनको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, खंगाल लिया जाए, तो आपका क्या है, पूरा कंप्लीट है। यानी अगर मोटा मोटी देख लिया जाए तो दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा देख लीजिए, इंडो इस्लाम को देख लीजिए, मुगल काल को देख लीजिए, विजयनगर बहमनी इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यह हर बार काम देगा, बार बार काम देगा। उसके बाद जो है बस काम खत्म कीजिए, इससे ज्यादा इसमें जरूरत ही नहीं, इतना अगर कर लेते, क्योंकि समय भी हमारे पास लिमिटेड है, हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आपको 6 महीना है, अगले 68वीं में देनी है, तब तो ठीक है सबको खींचा जाए, इसको सब में स्पेसिफिक पढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो जाए, बस ये काम किया जाए। अगर ऐसे किया जाए तो प्रीलिम्स जो है ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुकेगा, जब तक आप ना चाहें, आप चाहिएगा तो रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, बस आप अपने अंदर एक पागलपन ले आइए, हमें इसके सिवा जीवन में कुछ नहीं करना, आप लौट के जाइएगा ना, समाज जीने नहीं देगा आपको, हम क्या बताएं आपको। आज हमको रोज दिन बुलाता है, शादी है जरा चलाइए सुजीत सर, गांव सुजीत भैया बोलता है, आ जाइए, कहते समय नहीं है, और कल यही लोग जो है हमें ताना मारते थे,
आ गया है और आज रोज दिन हर दिन फोन आता